नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि रोड पर काम चल रहा है। दोस्तों, काम चल रहा था, वहाँ पर पत्थर पर ड्रिलिंग कर रहे थे कुछ लोग, चट्टान पर होल बना रहे थे। दोस्तों, उस होल का अब क्या हुआ, चले इस वीडियो में पूरा देखिए, आपको बताएंगे कि इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जब भी रोड में ब्लास्टिंग किया जाएगा चट्टान को, तो उस वीडियो को मैं रिकॉर्ड करने का कोशिश करूंगा। हालांकि बहुत मुश्किल था, लेकिन किसी तरह से मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। जो भी रिकॉर्ड किया है आप देख लीजिए हमारे वीडियो पर। दोस्तों, ऐसे ही अपडेट मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो शेयर करें, बेल आइकन दबाइए सब्सक्राइब करके, तभी आपके पास हमारी वीडियो पहुंच जाएगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, उस वीडियो की ओर जाते हैं जो आप लोगों को देखना है। दोस्तों, ये वो पॉइंट है जहाँ पर चट्टान है। तो दोस्तों, उसी चट्टान को चीरता हुआ हमें यहाँ पर रास्ता बनाना है। तो दोस्तों, रास्ता चाहिए तो हमें पत्थर हटाना पड़ेगा, और दोस्तों पत्थर हटाने के लिए हमें इस विधि का प्रयोग करना पड़ रहा है। तो चलिए, यहाँ पर जो भी काम हो रहा है देखिए वीडियो में, और यहाँ पर सारा कुछ तो नहीं दिखा सके क्योंकि सामने में खतरा है। अब खतरे से बचने के लिए मैं थोड़ा दूर से ही वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो वहाँ पर सारा चीज़, वो लोग जो भी बारूद होता है या कुछ भी होता है, पत्ता इधर चट्टान में होल करके डालते हैं। डालने के बाद बालू या कुछ केमिकल देते हैं, उसके बाद इलेक्ट्री छोड़ते हैं। तो चलिए, इतना तक तो ठीक है। और किस तरह से ये यहाँ पत्थर उड़ जाता है या क्या होता है, आप खुद ही वीडियो पर देख लीजिए, उसके बाद ही आप कमेंट करिएगा। और वीडियो कैसे लगा आप ज़रूर बताइएगा। यहाँ कुछ गैर कानूनी काम ये नहीं है, यहाँ पर जो भी काम चल रहा है वो जो परमिशन मिला हुआ है सरकार की तरफ से, उसके बाद ही काम किया जा रहा है। कोई भी वीडियो देख करके ये ना कहें कि ये गैर कानूनी काम है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सारे गांव वालों का सहमति से और सरकार के अनुमति मिलने के बाद ही ये काम किया जा रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो देखिए। यहाँ पर अभी तक पत्थर की जो भी धुआं या फिर धूली उड़ रहा है, आप देख सकते हैं उस स्थान को। मैंने काफ़ी दूर से इस वीडियो को कैप्चर किया, उस ब्लास्टिंग पॉइंट को कैप्चर किया, ताकि आप लोगों को साफ साफ दिखा सकूं। तो क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, क्लियरली आपको नहीं दिखा पाया, इसलिए क्योंकि वहाँ पर बहुत ही भयंकर धमाका हो गया था।